अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम आपको दिखाने वाले हैं कि आखुंदा के फूल के फ़ायदे और आखुंदा के फूल क्या क्या काम करते हैं और कैसे उसको यूज़ करना चाहिए और क्या क्या बीमारी ठीक हो सकता है। तो आखुंदा के फूल को आपको कैसे बनाना चाहिए ताकि आपके बीमारी दूर हो जाए। तो चलो शुरू करते हैं वो आखुंदा के फूल को दिखाने के लिए और क्या काम करता है वो आपको समझाने के लिए। तो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, क्योंकि इतना मेहनत से वीडियो हम जो बना रहे हैं, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, वीडियो को मेरे फॉलो नहीं कीजिएगा, सपोर्ट नहीं कीजिएगा, तो मेरा बना के क्या फ़ायदा होगा, मेरे वीडियो बना के क्या फ़ायदा होगा, ये जड़ी बूटी चैनल खोल के क्या फ़ायदा होगा। इसीलिए भाइयों आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें और शेयर करें और सब्सक्राइब। हम आ गए हैं आखुंदा के पौधे के पास। ये आखुंदा वनस्पति जंगली वनस्पति है, आपके आसपास घर के आसपास आसानी से मिल जाते हैं। तो आखुंदा के फूल को थोड़ा लेना है आपको, वहीं लगभग आधा किलो या एक किलो लेना है ये फूल। और फूल लेने के बाद आपको बढ़िया से धूप में सुखा लेना है और सुखाने के बाद इसको चूर्ण बना लेना है। चूर्ण बना के एक चुटकी करके सुबह शाम, जैसे एक चम्मच करके सुबह शाम खाना होगा, सुबह खाली पेट में और शाम को खाना खाने से पहले। दिन में दो टाइम इसको लेने से बराबर आपका जो शुगर है, चीनी का बीमार है और जो लीवर डाइजेस्ट फैटी लीवर जो होता है और जो समस्या होता है कि चाम और मांस का और मांसपेशी का, जिसका अभी समय होता है कि मौसम जो चेंजिंग होता है, बुखार आने का समस्या होता है, तो ये फाँकी ये चूर्ण लेने से आपका बुखार दूर हो जाएगा जड़ से। और आपका जो ब्लड का कमजोरी है, महिला के लिए जिसका मासिक समस्या खराब रहते हैं उसके लिए, और जिसका बच्चा बंद हो जाता है, बच्चा नहीं होते हैं, और बच्चा नहीं होने के कारण, नहीं होने के बाद वो बहुत निरोसी और मायूस हो जाते हैं। लेकिन मायूस नहीं होना है आपको, ये जंगल जड़ी बूटी आपको एक फायदेमंद औषधि के गुण के रूप में आपको दिखा रहे हैं। ये फूल आपको थोड़ा लेना है आधा किलो या एक किलो, और इसको बढ़िया से धूप में सुखा के चूर्ण बना लीजिए और एक चम्मच करके सुबह शाम लेने से, और थोड़ा सा आधा गिलास या एक गिलास जो चावल जो धोते हैं उसका पानी लेना है, और पानी आपको वहीं चूर्ण के साथ मिला के वो पानी में मिला के पी लेना है। इसी तरह आपको पीने से क्या होगा, जिसका गर्भ नहीं ठहरते हैं, और गर्भ ठहरने के लिए बहुत तरह का उपयोग किया जाते हैं, बहुत तरह का दवाई यूज़ करवाते हैं, लेकिन आपको वो सब दवाई अलविदा करना है और ये दवाई को आपको यूज़ करके देख लेना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत लाभदायक और फायदेमंद औषधि गुण है ये आखुंदा, जंगली आखुंदा। हम इसको छोटा अश्वगंध भी कहते हैं और छोटा अश्वगंध के रूप में भी ये जाना जाता है, क्योंकि ब्लड साफ करने का भी काम करता है एक तरफ से, और दूसरी तरफ से जो शरीर का जो कमजोरी है वो भी दूर कर देता। बहुत लाभदायक और फायदेमंद औषधि गुण है ये, आपके घर के आसपास मिल जाता है। और कहाँ मिलता है देखिए, जंगल जहरी जंगल में ही मिलते हैं ये। बहुत लाभदायक औषधि गुण के रूप में हम इसको मानते हैं और आप भी मान सकते हैं, क्योंकि जो जड़ी बूटी होते हैं उसको अगर ठीक से मानते हैं, विश्वास करते हैं, यकीन करते हैं, तो बहुत लाभदायक और फायदेमंद आपको फायदा पहुंचाते हैं। तो ये औषधि गुण बहुत फायदेमंद औषधि है। और जड़ी देखने के लिए और नए नए वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, क्योंकि भाई हम इतना मेहनत से वीडियो बना रहे हैं लेकिन कोई वीडियो मेरा देख नहीं रहा, मेरे वीडियो में क्या कमी है आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखना, ताकि हम वो कमी को ज़रूर पूरा करेंगे। तब तक के लिए हमको इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।